नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा आज श्री राम पे चर्चा करना चाहूँगा। श्री राम जी अगर केवल एक राजा होते तो अपने राज्य तक ही सीमित होकर रह जाते। श्री राम का मतलब है विराट व्यक्तित्व जो सभी में रमा हुआ है, रमे रमे मनोरमे। पूरे भारतवर्ष का उन्होंने भ्रमण किया, पर्यावरण प्रकृति की रक्षा की, भारतीय आर्य सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, राक्षस प्रवृत्तियां जो बढ़ रही थी उनका दमन किया और सभी में सभी जातियों के बीच एक प्रेम व्यवहार समानता का प्रयास जो श्री राम जी ने उस समय किया वो उस समय की आवश्यकता थी। रमे रमे मनोरमे, वो अगर केवल राजा ही होते तो केवल अपने राज तक ही सीमित रह जाते, पूरा भारतवर्ष और श्रीलंका तक नहीं पहुंच पाते। राक्षस जो ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे थे, उनके यज्ञ को नष्ट कर देते थे और हमारी वैदिक सभ्यता संस्कृति पर जो प्रहार हो रहे थे, वो वन जाने के बाद ही उनकी रक्षा हो सकती थी। उसी पे एक छोटी सी कविता लिखी है श्री राम के ऊपर, मैंने वो पढ़ना चाहूंगा। दर्शन कर ले हे मन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, धैर्यवान परोपकारी श्री राम का, जन जन के युग पुरुष ऐसे करुणा धाम का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, सेवक हूँ मैं श्री राम का, प्रभु जी मैं हूँ तुम्हारा अनुगामी, मेरे में है छवि श्री राम की, दर्शन कर ले हे मन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, धैर्यवान परोपकारी श्री राम का, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।